Hello guys, welcome to course of operating system series of lectures. Today we are starting with the new chapter, and that chapter named as file system. Okay, so we are discussing in this particular video regarding the file. So what do you mean by file? Actually, this will be a very short video for the file contents. Let's start with the file, guys. If you go with the files, the file is considered as the smallest allotment of logical secondary storage with user's perspective. मतलब हम बोलते हैं कि यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो फाइल है ये स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के ऊपर जो लॉजिकल स्ट्रक्चर बना है उस पर्टिकुलर चीज को हम कहीं ना कहीं फाइल बोल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम फाइल को और इलैबोरेट करेंगे तो कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अनलेस दे आर रिटन ऑन फाइल। मतलब जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज अवेलेबल डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, कोई दूसरे डिवाइसेस है, तो उस पर अगर हमें कहीं ना कहीं अगर डेटा को स्टोर करना है, सो वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रक्चर, वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट द आवर वी कैन से द फाइल। मतलब फाइल में कहीं ना कहीं हम राइट, जब तक राइट नहीं करेंगे तब तक वहां पर डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट वी कैन से, द फाइल इज कंसीडर्ड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइंस, रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय यूजर। मतलब यूजर ने कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स क्रिएट किया गया है जिसमें सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, बाइट्स है, लाइंस है, रिकॉर्ड्स है, ऐसे एन नंबर ऑफ लाइंस, एन नंबर ऑफ बिट्स, एन नंबर ऑफ बाइट्स हो सकते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं फाइल बोला जाता है। इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल है कि ये फाइल या फोल्डर, हम इसको पर्टिकुलर फाइल बोलते हैं जिसमें कुछ कंटेंट स्टोर होते हैं, जिसमें फाइल में हम कहीं ना कहीं पेपर पेजेस लगाते हैं जिसमें हम कुछ स्टोर करने की कोशिश करते हैं। और तो और, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। मतलब इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम डालने वाले हैं वो एक ही इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग होंगी एक दूसरे लाइंस में, एक दूसरे कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स में, या वट एवर द इन्फॉर्मेशन वी आर परसुइंग, दैट इज व्हाट द इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइल जनरली कंटेंट डेटा एंड प्रोग्राम्स। अभी डेटा एंड प्रोग्राम्स मतलब क्या कि कहीं ना कहीं डेटा आता है, रॉ डेटा, और प्रोग्राम मतलब क्या कि कभी लैंग्वेज का यूज करके हमने कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसको सोर्स प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स, ऑब्जेक्ट कोड्स होंगे जो सिस्टम के होंगे, उसको कन्वर्ट करने के बाद होंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सेव द रिक्वायर्ड थिंग्स इनटू द फाइल। यहाँ पर हो सकता है कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कोड हो सकता है, या कोई भी दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हम सीएस सेव कर सकते हैं। फाइल में आल्सो कंटेन न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल एंड बाइनरी इंफॉर्मेशन। मतलब एक फाइल में न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, बाइनरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फाइल। ये सारी चीजें यहाँ पर फाइल में हो सकती है। तो ये बहुत सारे डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। और सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री पॉइंट टू इनटू डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास फाइल होना जरूरी है। Okay, that is what the entry point into the directory. Then file is considered to be a backbone of any computing. मतलब क्या कि कंप्यूटर को कोई भी कंप्यूटिंग करना है तो they required input. और input कहाँ से आएगा? From the file itself. तो जो कुछ भी फाइल रहेंगी वो इनपुट देंगे, तभी जाके कंप्यूटर कहीं ना कहीं उसको, मतलब प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, एंड दैट वी गेट द आउटपुट, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटिंग। देन एवरी फाइल हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। मतलब क्या कि कोई भी फाइल का स्ट्रक्चर अलग, मतलब एक सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। लाइक लेट्स से टेक्स्ट फाइल, इफ आई एम यूजिंग अ नोटपैड, टेक्स्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल अलग फाइल, लाइब्रेरी फाइल अलग फाइल, मल्टीमीडिया फाइल अलग फाइल, तो इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द टाइप्स ऑफ द फाइल्स, तो उन हिसाब से उन पर्टिकुलर फाइल्स के कंटेंट वहाँ पर रहेंगे। मतलब क्या कि हम एक आधा टेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। इफ यू हैविंग मल्टीमीडिया फाइल देन कैन वी ऐड एनीथिंग, टेक्स्ट फाइल ओनली टेक्स्ट कंटेंट रहेंगे, वर्ड फाइल है, पीपीटी फाइल है, अलग अलग हिसाब से उसके कंटेंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और सब किसी के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहेंगे, और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उस टाइप का कंटेंट को वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, और वही डेटा वहाँ पे सेव रहेंगे। यहाँ पर भी एक फाइल का एग्जाम्पल है, इसको हम बोल सकते हैं द फाइल्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स यूनिक नेम अलॉन्ग विद इट्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट एज अ टाइप, लाइक टाइप, साइज, परमिशन। तो इसके ऊपर भी हमारे पास सेपरेट वीडियो, फाइल्स एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल। वो जो फाइल है उसके पर्टिकुलर यूनिक नेम दिया गया है फॉर रिकॉग्निशन पर्पस। उसके कुछ सेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे टाइप है, साइज है, परमिशन है, डन है, परमिशन है, सिस्टम है, आरक्यू है, इससे बहुत सारे टाइप उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो सकते हैं, टाइप भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसको नेम करेगा। अदरवाइज सभी फाइल्स के अगर नाम एक ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट द फाइल्स आर नेम्ड। एंड फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर अ डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स यूज विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक फाइल एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स लिख सकते हैं, कुछ कमांड्स लिख सकते हैं विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने हमारे बनने वाले विद हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज,
तो वहां पर कमांड्स भी हो सकते हैं, कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती है, कुछ मेक फाइल्स हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ रॉ डेटा हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा यहाँ पर स्टोर हो सकता है। मतलब क्या कि यूजर के सेटिस्फिकेशन के लिए, यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए जो जो कुछ चीजें जो मेंटेन कर रहा है फॉर द कलेक्शन ऑफ सम डेटा, आई कैन से इन द फाइल। ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन फाइल। सो फाइल इज व्हाट अ कंटेनर, आई कैन से फाइल इज व्हाट द वन काइंड ऑफ प्लेस वेयर द यूजर कैन स्टोर देयर मटेरियल अकॉर्डिंगली टू देयर टाइप। Okay, and that type and that files can be identified and file can be recovered on the basis of their the attributes or the names are given to that particular file. This is what the short video for the file, guys. I hope it is okay with you. Thank you so much. Uske baad ke hum video mein kahin na kahin attributes ho gaye, types ho gaye, ye sab sari cheeze hum dekhne wale hain. Thank you.